बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के इस कक्षा में कक्षा 8 के संस्कृत के व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 5 कारक व उपपद विभक्ति के बारे में यहाँ पर पुनरावृत्ति करेंगे और इसमें उपपद विभक्ति को जानेंगे क्या होता है और कारक के बारे में भी जानेंगे और अभ्यास कार्य को पूरा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का पाठ 5 जो 21 पेज नंबर पर दिया हुआ है, सभी बच्चे निकाल लेंगे। इसमें जो है मोहनः पाठं पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। यहाँ पे मोहनः मोहनः पाठं पठति, मोहनः एक वचन है इसीलिए यहाँ पे पठति का प्रयोग किया गया है। मोहनः पाठं पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। इस वाक्य में मोहन पाठ पढ़ने वाला है, अतः मोहन करता है, यानी कि पढ़ने का कार्य मोहन कर रहा है इसलिए मोहन करता है। मोहन पाठ को पढ़ रहा है, अतः पाठ कर्म है। पाठ को पढ़ रहा है तो पाठम, पाठ को पढ़ रहा है तो पाठम जो है वो कर्ता कर्म हो गया। मोहन तथा पाठ का पठति क्रिया से सीधा संबंध है, यानी कि मोहन जो कार्य कर रहा है उसका फल पाठ पर पड़ रहा है और मोहन करता है और ये क्रिया है और उस क्रिया को करने वाला मोहन है, तो इसलिए यहाँ पर इसका क्रिया से सीधा संबंध है। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साक्षात सीधा संबंध हो, साक्षात मतलब सीधा संबंध हो, तो उसे कारक कहते हैं। और इसी तरह से ये संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक माने गए हैं। संबोधन और षष्ठी विभक्ति यानी कि संबंध को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि उसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता है, इसीलिए उसे कारक नहीं माना जाता है। तो कारक जो है, संज्ञा आदि शब्दों के क्रिया के साथ संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कारक विभक्ति कहते हैं, अर्थात विभक्तियों से प्रकट होता है कि अमुक शब्द किस कारक का है। इन प्रत्ययों का काम है शब्दों के परस्पर संबंध का विभाजन करना, इसलिए इन्हें विभक्ति कहा जाता है कि शब्दों के परस्पर संबंध का विभाजन करना, इसलिए इन्हें विभक्ति कहा जाता है। साधारणतः कर्ता के लिए प्रथमा, कर्म के लिए द्वितीया, करण के लिए तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी और संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है 6 कारक माने, 6 विभक्ति मानी गई है और इसमें जो है कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बालकः खादति, बालक खाता है। और कर्म कारक का प्रयोग जो है वो कर्म के लिए किया जाता है, जैसे बालकः फलम खादति, बालक फल खाता है। तो यहाँ पे फल जो है वो कर्म है, जैसे कि यहाँ पे पाठम जो है ये कर्म है। तो एक ही वाक्य में मोहन जो है ये करता है, पाठम जो है ये कर्म है और ये जो है ये क्रिया है। तो इस तरह से इन तीनों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया में, क्रिया जो है वो तो धातु रूप है और ये क्रियापद है, प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ पर क्रिया प्रयोग किया गया था। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्रियापद क्या होते हैं। ये सभी कारक जो है विभक्तियों के लिए उसी अर्थ में प्रयोग होते हैं, कर्ता ने,
कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के और अधिकरण में पर। और संबोधन में होता है हे अरे। और इसके बाद है उपपद विभक्ति, शिवाय नमः। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। तो यहाँ पर शिव के लिए नमः मतलब नमस्कार, प्रणाम। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर पेड़ हैं। ऊपरी लिखित प्रथम वाक्य में नमः पद के कारण शिवाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है तथा दूसरे वाक्य में उभयता के कारण विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जब किसी उपपद, विशिष्ट पद अथवा अव्यय के कारण किसी शब्द में कोई विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो इसी तरह से, और ये उपपद विभक्ति जो है वो विशिष्ट पदों के कारण प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ जो है वो, जैसे द्वितीय विभक्ति में हम लोग प्रयोग करते हैं अभितः, परितः, सर्वतः। परितः चारों ओर, सर्वतः सब ओर, उभयतः दोनों ओर, समया, निक्षा, धिक, धिक मतलब धिक्कार है, प्रति, विना, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से दोह, याच, पच, दंड, प्रच्छ, जी, वह आदि इस अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अधि, शिंग, शयन करना, सोना, इस अर्थ में भी स्था धातु में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे नदीम उभयतः क्षेत्राणि सन्ति, नदी के दोनों ओर खेत हैं। धिक चौरम यानी कि चोर को धिक्कार है। सह वनम प्रति अगच्छत, वह वन की ओर गया। तो इस तरह से उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अब हम लोग यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य में हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। और पहले प्रश्न में दिया हुआ है नमः और शिव शब्द दिया है कोष्ठक में। और प्रश्न पूछा है कि कोष्ठक में दिए हुए शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। नमः है तो इसको अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शिवाय नमः, तो क में हो जाएगा खाली जगह में शिवाय। शिवाय नमः। और रिते न मुक्ति, तो रिते मतलब होता है बिना, तो यहाँ ज्ञान शब्द दिया है, तो ज्ञान के बिना, तो ज्ञानात हो जाएगा। पंचमी विभक्ति में रिते का प्रयोग होता है तो यहाँ पर ज्ञानात, खाली जगह में ज्ञानात भरेंगे। और अब यहाँ पर हम लोग ग करने जा रहे हैं, हरिः श्रेष्ठः, हरिः श्रेष्ठः अस्ति। यहाँ पे हरि जो है वो श्रेष्ठ है। तो कोष्ठक में जो शब्द दिया हुआ है वह है छात्र, तो हरि जो है वो छात्रों में श्रेष्ठ है। तो छात्रों में यहाँ अधिकरण कारक लगेगा, तो यहाँ पे छात्रेषु, छात्रों में हरिः छात्रेषु यानी कि छात्रों में श्रेष्ठः असि, अस्ति श्रेष्ठ है, तो हरिः छात्रेषु श्रेष्ठः अस्ति।
तो यहाँ पे श्रेष्ठ यानी कि जो है अच्छाई बताने के लिए, तुलना करने के लिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि उसी पेज पर ऊपर लिखा है कि श्रेष्ठता निर्धारणे, श्रेष्ठता निर्धारित करने में, तुलना करने में, आधारे आधार में और सति के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हरि श्रेष्ठ है छात्रेषु, छात्रों में, तो इसलिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और अब है स्वाहा, तो अग्नि शब्द है तो अग्नियई स्वाहा हो जाएगा। स्वाहा स्वधा के योग में यहाँ पर प्रयोग किया गया है अग्नियई, अग्नियई स्वाहा। स्वाहा शब्द का प्रयोग अधिकतर यज्ञ करने में किया जाता है। और अंगा है याचकः, याचकः यानी कि जो याचक है, जो मांगने वाला है। अंधा अस्ति, अंधा है। नेत्र किससे अंधा है? नेत्रेण आँख से अंधा है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है नेत्रेण। तो यहाँ पे याचकः अंधा अस्ति, याचक यहाँ पे नेत्राभ्याम करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि आँखों से अंधा है, दो आँखें होती हैं, तो नेत्राभ्याम हो जाएगा, नेत्राभ्याम यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। नेत्राभ्याम आँखों से अंधा है। अब है यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर यहाँ पर पहला दिया हुआ है रामेण और दूसरा दिया है रामस्य। तो यहाँ पे रामेण और रामस्य दिया हुआ है। सीता सह वनम गच्छति, यहाँ पे सीता एक वचन है और सह का प्रयोग किया गया है और सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सीता सह वनम गच्छति, वन जाती है, तो यहाँ पे रामेण होगा क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर दो जो है इसमें पहले में हम लोग लिखेंगे रामेण, क्योंकि सह के साथ हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती हैं। अब है ख अलम, अलम का प्रयोग मना करने के अर्थ में होता है। तो अलम जो है विवादेन और विवादात, अलम विवादेन यहाँ पे विवादेन हो जाएगा, मना करने के अर्थ में यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ख में हो जाएगा विवादेन, झगड़ा मत करो, अलम विवादेन झगड़ा मत करो, विवाद कहते हैं झगड़े को। अलम विवादेन हो गया, ये खाली जगह में भरा जाएगा ये सभी शब्द। किताब में प्रश्न में जो है वो खाली स्थान दिया हुआ है और वहाँ पर इसको भरना है। और अब है दूसरे का ग, बहिः छात्रः तिष्ठति, बहिः छात्रः तिष्ठति, बाहर छात्र बैठा है। तो यहाँ पे विद्यालय से और विद्यालयात, तो बही के योग में बही जो है वो उपपद विभक्ति है, तो इसके योग में विद्यालयात का प्रयोग होगा, विद्यालयात। यहाँ पर हो जाएगा विद्यालयात। और
और अब यहाँ पे घ दूसरे का घ बालकः प्रतिगच्छति, प्रति मतलब और, गच्छति मतलब जाता है, तो नगरम और नगरस्य किसके प्रति जाता है, नगरम, यहाँ पे नगरम होगा, तो इस तरह से यहाँ पे प्रति के योग में जो है वो यहाँ द्वितीया विभक्ति का जो है प्रयोग होगा, प्रति और विना के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नगरम। नगरम प्रति गच्छति। अब है अंग माता, स्नेहयति, स्नेहयति का अर्थ होता है स्नेह करती है, तो यहाँ पे माता किसको स्नेह करती है, किस पर स्नेह जताती है, पुत्रम और पुत्रे, तो स्नेह के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे पुत्रे हो जाएगा क्योंकि पुत्रे में सप्तमी विभक्ति है, तो खाली जगह में भरा जाएगा पुत्रे, माता पुत्रे स्नेहयति, माता पुत्र पर स्नेह दिखाती है, स्नेह करती है। और अब है च भिक्षुकः, भिक्षुकः बधिरः अस्ति, भिक्षु जो है यानी भिखारी, बधिरः यानी कि बहरा, अस्ति मतलब है, तो यहाँ पे बहरा है, किससे बहरा है, कर्णाभ्याम और कर्णैः, कर्णैः जो है वो बहुवचन में आता है यानी दो से अधिक, तो दो से अधिक की का जो है वो कान सिर्फ दो ही होते हैं, तो इसलिए द्विवचन का यहाँ प्रयोग होगा कर्णाभ्याम, तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे कर्णाभ्याम। यहाँ पे भिक्षु का कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, भिक्षु कानों से बहरा है। और अब है प्रश्न 3, स्थूल पदों में विभक्ति बताइए, और स्थूल पद कहने से तात्पर्य होता है जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो स्थूल पद का अर्थ है मोटे अक्षरों में लिखा हुआ, तो अब यहाँ पे हम लोग उत्तर 3 करेंगे, और इसमें जो है मोटे अक्षरों में जो लिखा है उसकी विभक्ति बताना है, तो मोटे अक्षरों में जो लिखा है उसकी विभक्ति में जो है पहला हम लोग पढ़ेंगे क, गृहम अभितः वृक्षाः सन्ति, गृहम गृहम अभितः, तो यहाँ पर अभितः जो है वो उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें द्वितीया विभक्ति होती है, तो गृहम में द्वितीया विभक्ति है, तो क में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर द्वितीया। तो क में हम लोग द्वितीया विभक्ति लिखेंगे। अब है ख, लवह रामस्य पुत्रः आसीत, लव रामस्य राम का पुत्रः आसीत, पुत्र था, तो यहाँ पे लव और कुश ये दो राम के पुत्र थे, तो यहाँ लवह लिखा हुआ है, तो इसमें रामस्य, रामस्य मोटे अक्षरों में लिखा है और रामस्य में जो है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, राम का के की का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में होता है संबंध बताने के लिए, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी का अगला प्रश्न, ग, छात्रा विद्यालयात्, छात्रा विद्यालयात् आगच्छति, छात्रा विद्यालय से आ गई है, तो यहाँ पे विद्यालय से आ रही है या आती है, यहाँ पे विद्यालयात् मोटे अक्षरों में लिखा है, तो यहाँ पे विद्यालयात् पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, विद्यालय से, यहाँ पे विद्यालयात् विद्यालय से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया गया है,
विद्यालय से आ रही है, तो यहाँ पर अलग हो रही है, वो विद्यालय से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग ग में लिखेंगे पंचमी, और अब है घ नृपः। नृपः का अर्थ होता है राजा, नृपः इसका अर्थ होता है राजा, याचकाय याचक के लिए, अन्नम यच्छति अन्न देता है। तो यहाँ पे याचकाय याचक को अन्न देता है, तो याचकाय जो है वो किसी के लिए देने का जो कार्य होता है वो चतुर्थी विभक्ति में होती है। तो याचकाय का अर्थ है याचक के लिए, यानी कि भिखारी के लिए, तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। और अब है अंग सेवका हस्तेन भारम नयति। सेवका, सेवक कहते हैं नौकर को, और हस्तेन भारम, भारम मतलब बोझ, नयति मतलब ले जाता है। तो सेवका, सेवक हस्तेन हाथ से भारम नयति, भार ले जाता है। तो यहाँ पर हस्तेन मोटे अक्षरों में लिखा है, तो तृतीया विभक्ति होगा हाथ से, यानी कि बोझ उठाने में उसका हाथ सहायता कर रहा है, और जो काम में सहायक होता है उसमें जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जो साधन होता है से के द्वारा। तो यहाँ पर हस्तेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ये एक वचन है तृतीया विभक्ति का, हस्तेन। और अब है यहाँ पे चौथा प्रश्न, निम्नलिखित पदों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे अधिकतर जो है वो उपपद विभक्ति दिया हुआ है, और उपपद विभक्ति में इन सभी से जो है वाक्य मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो दिया हुआ है वह है उभयतः। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, और ख में दिया है प्रति। प्रति मतलब की ओर, जैसे कि मोहन जंगल की ओर जाता है, तो यहाँ पे की ओर के अर्थ में जो है प्रति का प्रयोग किया जाता है। और सह का अर्थ होता है साथ। तो इसमें जो है सह का अर्थ होता है साथ, और घ है विना, और विना में जो है विना का प्रयोग जो है बिना के अर्थ में होता है, जैसे कि ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे ज्ञान के बिना, तो बिना का अर्थ यहाँ पर विना है। अब इसमें अगला दिया हुआ बहिः। बहिः का अर्थ होता है बाहर, तो बाहर ये भी जो है वो उपपद विभक्ति है। अनंतरम मतलब इसके बाद, तो यहाँ पे हम लोग एक एक वाक्य बनाएंगे। और अब हम लोग यहाँ पे चौथा प्रश्न करेंगे, चौथे प्रश्न में सबसे पहले हम लोग उभयता से वाक्य बनाएंगे। उत्तर चार का है क उभयता। तो उभयता से वाक्य बनेगा, उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, तो यहाँ पे ग्रामम उभयता। ग्रामम उभयता वृक्षाः, ग्रामम उभयता वृक्षाः सन्ति। यहाँ उभयता के योग में ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उभयता का अर्थ होता है दोनों ओर, और ये जो है उपपद विभक्ति है, और इसीलिए यहाँ पे ग्रामम का प्रयोग किया गया है। और ख है
खा बनाना है प्रति से, प्रति मतलब और, तो प्रति से वाक्य बनाना है। तो छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति। इसमें जो है विद्यालयं प्रति भी लिख सकते हैं, मंदिरम प्रति भी लिख सकते हैं, पुस्तकालयम प्रति भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केवल एक शब्द बदल देने से वाक्य बदल जाता है, तो और छात्रा की जगह पे किसी का नाम भी लिख सकते हैं, बालका भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। और अब है यहाँ ग है सह, सह के योग में जो है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सीता रामेण सह गच्छति, वनम गच्छति भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सीता रामेण सह वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन को जाती हैं। और अब है घ यहाँ पर विना, विना का प्रयोग करना है बिना के अर्थ में। धनात विना, धनात विना सुखम न भवति, धनात विना सुखम न भवति। तो यहाँ पे धनात विना सुखम न भवति। और अंग है बहिः, बहिः यानी बाहर। कक्षायाः बहिः मा गच्छ, कक्षा के बाहर मत जाओ। कक्षायाः बहिः मा गच्छ। तो यहाँ पे बहिः के अर्थ में जो है वो बालकः गृहात् बहिः तिष्ठति। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है गृहात् बहिः तिष्ठति, यहाँ पे और भी इसको बदला जा सकता है। इसकी जगह पे हम लोग क्रीडति भी लिख सकते हैं। बालक घर के बाहर खेलता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने बही तक प्रयोग किया। अब है अनंतरम, अनंतरम मतलब इसके बाद। अनंतरम, अनंतरम सह एकः गजः अपश्यत्, अनंतरम सह एकः गजः अनंतरम सह एकः गजः अपश्यत, एक हाथी देखा। अनंतरम सह गृहम अगच्छत। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाक्य हुआ।
और अब हम लोग यहाँ पे पांचवा प्रश्न करेंगे। उत्तर पांच में दिया है, स्तंभ क में दिए गए पदों के सामने स्तंभ ख में दी गई विभक्तियों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर पद और विभक्ति दी गई है, पद और विभक्ति, और इसमें दिया है सह, तो सह का प्रयोग तृतीया के साथ होता है, और इसके बाद फिर उभयतः, यहाँ पे उभयतः का प्रयोग हुआ है, और उभयतः में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और नमः नमः चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है, और फिर है बहिः, बहिः जो है वो पंचमी विभक्ति, और इसके आगे हम लोग पद और विभक्ति यहाँ भी करेंगे। और इसके बाद है बही हो गया, फिर धिक और स्वस्ति। धिक, धिक जो है इसका, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और स्वस्ति, स्वस्ति का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने किया कारक व उपपद विभक्ति में। तो इसका अभ्यास सभी बच्चे करेंगे, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।